Okay, friends, now we'll have a little bit, you can say, the tougher concept, that is nothing but the net force and torque on current carrying loop kept in uniform magnetic field. Friends, समझो आपको मैंने एक वायर दिया, ओके, एक वायर मैंने फ्रेम दिया, समझो रेक्टेंगल फॉर्म में, दैट्स कॉल्ड करंट कैरिंग लूप. फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, सर्कल भी चलेगा, स्क्वायर भी चलेगा. समझो मैंने रेक्टेंगल लिया, स्टैंडर्ड बुक रेक्टेंगल ली थी, मैंने भी वही लिया, ओके, उसको मैग्नेटिक फील्ड में उतारा सबसे पहले, ओके. ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, आप समझ गए, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है फ्रेंड्स? अंदर है. आप लिख रहे हो, देखो पेन के जैसा, ये अंदर है, ओके. लूप की लेंथ है एल, अंदर से खाली है, रिपीट है फ्रेंड्स, अंदर से खाली है, ये ऐसा वायर है, ओके, और ब्रेथ है बी, ओके, और इसको रख दिया आपने. एक इंपॉर्टेंट आपको मैं डेटा दे रहा हूं, ओके, स्टैंडर्ड डेटा. पी क्यू आर एस परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, यानी ये जो लेंथ है इसकी फ्रेंड्स, ये हमेशा परपेंडिकुलर है किस पे? फील्ड लाइंस पे. कैसा? वो भी सिखाता हूं, घबराओ. समझो ये मेरा ऑप्टिक्स का केस है. ऑफ कोर्स ये पूरा प्लेन मत समझो, आप सोचो खाली ये बाउंड्रीज है इसकी, वायर की. आई रिपीट फ्रेंड्स, ये पूरा प्लेन है, प्लेन मत पकड़ो, ओके फ्रेंड, ये प्लेन नहीं है कॉइल ऐसा, ये सिर्फ बाउंड्रीज की बात कर रहा है, ओके. समझो ये ऐसा वायर है, ओके. ये देखो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट में ऐसा रखा, ये उंगली मेरी मैग्नेटिक फील्ड है. आप नोटिस करो फ्रेंड्स, इसका ये लेंथ बी 90 मेरी उंगली पे, फ्रेंड्स नीचे का लेंथ भी 90 मेरी उंगली पे. देखिए फ्रेंड्स, ऐसा रखा है स्टार्ट में, ऑल आर एग्री फ्रेंड्स, इस तरीके से रखा है, ओके. ये सब फील्ड लाइन ऐसी, ये भी 90, ये भी 90, देखिए मेरी फिंगर पे है ना फ्रेंड्स, ओके, ये ऐसा रखा है. अब थोड़ा टेक्निकल बात करेंगे. इसमें मैं क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता हूं फ्रेंड्स, सेम करंट आई, लेंथ है एल, ब्रेथ है बी, मैग्नेटिक फील्ड है कैपिटल बी, आई करंट फ्लो कर रहा हूं. इमीडिएट आप बोलोगे, सर ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड में लगा, इस पे फोर्स आएगा. ऑफ कोर्स आएगा, ओके. क्या फोर्स होगा? अभी आपने बोला आई एल बी, क्यों? थीटा अगेन 90, तो क्या आया? आई एल बी, इस पे फोर्स लगेगा. अब आपको डायरेक्शन देता हूं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए फ्रेंड्स, इस केस में ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, फील्ड अंदर है. ये देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट टू राइट करंट जा रही है, फील्ड अंदर है. ये देखिए मेरे थंब, देखिए ये अंदर के साइड लगेगा ऐसा ऐसा, यानी इस कॉइल पे अगर मैं ऐसा लूं, ये देखिए फ्रेंड्स, करंट ऐसी जा रही है फ्रेंड्स, करंट ऐसी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो इस पर ये ऐसा अंदर की तरफ लगेगा. ये देखिए फ्रेंड्स, यहां अंदर लगेगा, ओके. तो यहां पर फोर्स होगा फ्रेंड्स, वैल्यू होगी आई एल बी, आई रिपीट आई एल बी. आई और एल बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, देखिएगा जरा ध्यान रखिएगा, ये आई एल बी. अब ऑफकोर्स यहां करंट ने डायरेक्शन चेंज कर दी, बाकी तो सब कुछ सेम है फ्रेंड्स, खाली डायरेक्शन करंट का चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सेम. यहां पर लगेगा अगेन F इज इक्वल टू आई एल बी, लेकिन डायरेक्शन इस टाइप में, जैसा ऊपर था अंदर की तरफ, तो नीचे होगा बाहर की तरफ. देखिए फ्रेंड, ये मेरा कॉइल ऐसा टर्न हो जाएगा. ये देखिए, ये था अंदर की साइड, ये बाहर है. ये देखिए फ्रेंड्स, कॉइल ऐसा टर्न हो गया, कॉइल ऐसा टर्न हो गया फ्रेंड्स, ओके. कॉन्सेप्ट टफ है फ्रेंड्स, थोड़ा 3D में मैं कोशिश करता हूं अच्छे से बताने की. कॉइल टर्न हो गया, ओके. जब कॉइल टर्न होगा, नोटिस करो, ये बी के साथ ब्रेथ ने कुछ एंगल बना दिया. ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैग्नेटिक फील्ड था ना ऐसा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इसने मैग्नेटिक, आई एम सॉरी, इस ब्रेथ ने इसके साथ एंगल बना दिया. समझो दैट एंगल इज अल्फा, ओके. तो अब क्या बोलोगे आप? लेट, यहां लिखता हूं, लेट अल्फा इज एंगल बिटवीन, बराबर देखो, एंगल बिटवीन ब्रेथ एंड मैग्नेटिक फील्ड. आई रिपीट, ब्रेथ एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन कॉइल टर्न्स, कॉइल टर्न्स, जब कॉइल ने टर्न मार दिया, व्हेन द कॉइल टर्न, ओके. जब कॉइल टर्न हो गया फ्रेंड्स, तो इसने यहां पर, अभी आपको साइड में बताया, एंगल बन गया अल्फा स्टार्ट में, इस पर फोर्स लगेगा बिल्कुल आई एल बी, लेकिन अब फ्रेंड्स यहां 90 नहीं है, यहां अल्फा है, तो बनेगा आई एल बी. आई एल के बाद कौन? इसका ब्रेथ फ्रेंड्स, आई एल, इसके लिए एल है बी. आई बी बी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में, यहां पर बराबर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आई बी बी साइन अल्फा, ये फोर्सेस, एफ डैश दो इसको, इसको भी दो एफ डैश, ये एफ डैश, ओके, एफ इसको दिए, इसको एफ डैश, ये देखो ये डायरेक्शन में आराम से देखिए फ्रेंड्स, ये कॉइल को यहां खींचेगा, ये कॉइल को यहां खींचेगा, एफ डैश आई बी बी साइन अल्फा, एफ डैश आई बी बी साइन अल्फा, आराम से देखिए. अब थोड़ा दिमाग लड़ाइए,
थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ये फोर्स इस डायरेक्शन में आई एल बी, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आई एल बी, कैंसल फ्रेंड्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये फोर्स आई बी बी साइन अल्फा, ये फोर्स आई बी बी साइन अल्फा, अगेन वेक्टर क्वांटिटी, फ्रेंड्स कैंसल ईच अदर, द नेट फोर्स विल बी जीरो, फोर्सेज आर नॉट जीरो, कभी नहीं बोलूंगा जिंदगी में नेट फोर्स इज जीरो, तो आपने एक कॉन्सेप्ट मारा एफ नेट ऑन करंट कैरिंग लूप इज जीरो, तो यहां से हमेशा कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स बैठेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, आई रिपीट व्हेनेवर यू विल पुट द कॉइल करंट कैरिंग कॉइल ऑफ कोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड अगेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स विल बी जीरो। ओके फ्रेंड्स, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया था अभी आपको मैंने मेरे ऑप्टिक्स के केस में बताया था, ये ऐसा टर्न हो गया था, ये फोर्स और ये फोर्स की वजह से ये टर्न हो गया था, बट द कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क, लेकिन कॉइल में टॉर्क आ गया फ्रेंड्स, इसमें टॉर्क बन गया, वो मैं नेक्स्ट में अभी निकालता हूं विद इन फ्यू मिनट्स। ओके आई रिपीट, बट द कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क, यहां लिखेंगे बट कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क, बट कॉइल एक्सपीरियंस, बट कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क, इसमें टॉर्क आ गया, वो टॉर्क हम निकालेंगे, टॉर्क को कैसे डिनोट करते हैं, टाउ। ओके अभी कुछ सेकेंड्स में, आई एम सॉरी कुछ मिनट्स में मैं आपको टॉर्क निकालना सिखाता हूं। ओके फ्रेंड्स, नाउ बिफोर समटाइम्स यू सेज दैट सर व्हेन द करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स इज जीरो, लेकिन कॉइल फ्रेंड्स टर्न हो गया था, मीन्स कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क, अब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, कब मैक्सिमम होता है वो देखेंगे, कब मिनिमम होता है वो देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट, ये देखिए अब ये फील्ड लाइन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंड्स। ओके समझो ये कॉइल का ब्रेथ है, ये कॉइल का ब्रेथ है, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, फ्रेंड्स थोड़ा टफ है कॉन्सेप्ट, प्लेन नहीं, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एंगल थीटा विद फील्ड लाइंस, ये नॉर्मल है फ्रेंड्स, कॉइल के प्लेन पे, 3D में दिख नहीं रहा है, यहां कॉइल का प्लेन है उस पे ये नॉर्मल है, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ओके फ्रेंड्स, साइड से देखो, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूं कोशिश करने की, कि ऐसा सिनेरियो है, ओके ये ऐसा कॉइल टर्न हुआ हुआ था, आप ऐसा साइड से देख रहे हो, ये देखो फ्रेंड्स मैं ऐसा साइड से देख रहा हूं, तो मेरे को ब्रेथ दिखेगा बी, ये देखो ये ब्रेथ बी है, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो नॉर्मल टू द प्लेन, ये देखिए फ्रेंड्स ये कॉइल का मेरे स्पेक केस का क्या है, प्लेन है, इस पे नॉर्मल, ये देखिए फ्रेंड्स ये पेन, ये देखिए फ्रेंड्स ये फील्ड लाइंस के साथ बना रहा है एंगल थीटा, देखिए फ्रेंड्स ये वाला, ये अभी सिंपल यहां बताओ तो ये प्लेन का नॉर्मल है, ये आई एम सॉरी ये प्लेन है फ्रेंड्स, इस पे नॉर्मल यानी ये पेन, ये पेन फील्ड लाइंस के साथ बना रहा है एंगल थीटा, इज इट क्लियर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एंगल थीटा। ओके यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, थीटा इज एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस, कैपिटल बी यानी फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द कॉइल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, आई एम सॉरी नॉर्मल टू एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, यह है थीटा, आराम से देखिए फ्रेंड्स। ओके अब देखिए ऊपर की तरफ फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ ये फोर्स था आई एल बी, यहां नीचे की तरफ फ्रेंड्स ये फोर्स था आई एल बी, आराम से देखिए केस में वापस बताता हूं, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसा टर्न हुआ था, यहां फोर्स था, देखिए साइड से जब देखूंगा तो आई एल बी, यहां आई एल बी, ओके ऐसा इनमें लगेगा। ओके स्टार्ट, नाउ द टेक्निकल स्टार्ट फ्रेंड, ये ट्राइंगल कंप्लीट कीजिए। ओके अब बराबर देखिए, ये है थीटा, आई रिपीट ये है 90 फ्रेंड्स, ये थीटा ये यहां देख लीजिए, इसको देखने की जरूरत नहीं, चलो छोड़ो, ये थीटा ये है पूरा 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, फ्रेंड्स वापस देखिए ये एंगल 90 है, इतना थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ऑटोमेटिक ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसमें ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये हो गया थीटा, आराम से देखिए। ओके अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हाइपोटेनस है बी, तो अपोजिट साइड फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बोलिए, बी
साइन थीटा, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला बी साइन थीटा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। आराम से फ्रेंड्स देखिए, कुछ सेकेंड रुकता हूं। ओके, अब आपको टॉर्क पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे टॉर्क पढ़ूंगा, नाम दे दो एक्स, नाम दे दो एक्स। ओके, आप बोलोगे एट एक्स। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू, स्टार्ट टाउ इज इक्वल टू, देखिए फोर्स, ये फोर्स है आपका, ये फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई रिपीट फोर्स, ये देखिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज, तो क्या होगा टॉर्क, क्या जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आराम से ये हो गया टॉर्क, आई एल बी बी साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, वापस एक बार देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, देखिए क्लॉकवाइज ये टॉर्क आया, आई एल बी साइन थीटा। आराम से ओके, देखिए इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, कई बार बोला हूं एक टर्न जनरली हम नहीं देंगे, स्पेशल केसेस में जरूर होता है, बट जनरली हम आपको एन टर्न्स देंगे। इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, क्या करोगे टॉर्क के लिए मल्टीप्लाई बाय एन, तो ये हो जाएगा आई एल बी बी साइन थीटा इंटू एन। आराम से ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ के बदली फ्रेंड्स, एल इंटू बी के बदली, एन ऐसी लिखा आई ऐसी लिखा, एल इंटू बी के बदली क्या डालूंगा फ्रेंड्स, एरिया बी साइन थीटा। वापस देखिए फ्रेंड्स, लेंथ इंटू ब्रेथ के बदली डाला एरिया, आई ऐसी लिखा, एन पहले ले लिया, ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, कुछ समय पहले करे एन आई इज वॉट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, आपने बोला है मुझे एन आई ए इज वॉट कैपिटल एम, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बदली क्या डालूंगा मैं, इसके बदली डाल दिया एम बी साइन ऑफ थीटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हुआ एम बी साइन थीटा फ्रेंड्स। ओके, ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो क्या लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है टॉर्क एम क्रॉस बी फ्रेंड्स, क्या होता है एम क्रॉस बी। आराम से देखिए फ्रेंड्स, ओके अब वी विल डिस्कस व्हेन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, वी विल डिस्कस व्हेन टॉर्क विल बी मिनिमम। ओके, व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन ऑफ यू कैन से कॉइल इन दैट केसेस। ओके, वो हम डीप में अब थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ओके, तो अभी तक हमने देखा टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, व्हाट इज द मिनिमम टॉर्क। ओके, व्हाट आर द कंडीशंस, मींस व्हाट द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विल बी फॉर दैट केसेस। ओके स्टार्ट फर्स्ट, ओके इफ बराबर देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1 मैक्सिमम, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी बराबर देखिए फ्रेंड्स एम बी साइन 90, ये हो गया 1, तो टॉर्क होगा एम इंटू बी, दैट इज मैक्सिमम टॉर्क फ्रेंड, मैक्सिमम टॉर्क होगा, थीटा इज 90, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कैसा, वापस देखिए, जब एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द कॉइल, आई रिपीट फ्रेंड्स, दिमाग में आपका आएगा प्लेन टू द कॉइल, जी नहीं, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज 90, मंजे ऐसा समझो ये पेन है फील्ड लाइंस, ये देखिए फ्रेंड ये फील्ड लाइन है, करेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रहा है। ओके सपोज, ओके ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा जब मैं कॉइल रखूंगा, नॉर्मल टू द कॉइल ऐसा है, देखिए फ्रेंड्स दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, पेन और मेरी ये फिंगर के बीच में एंगल 90 डिग्री, टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज 90, द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 0, तो टॉर्क विल बी एम बी साइन 0, आंसर इज 0, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओके, जब एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज 0, नो टॉर्क इज देयर। ओके चलो ऐसा, ये देखो फ्रेंड्स ये सिचुएशन है, ये मेरा फील्ड लाइंस है, आई रिपीट ये मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल ऐसा रखा है,
इस पे नॉर्मल कहां होगा फ्रेंड्स, ऐसा दोनों कोलिनियर जिसको पैरेलल बोलते हैं, एंगल इज जीरो, कोई टॉर्क नहीं लगेगा फ्रेंड्स, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। ओके अब हम थोड़ी देर में देखेंगे व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू कैन से कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देखेंगे अभी थोड़ी देर में। Okay friends, now we'll again start with potential energy of coil in uniform magnetic field. अब थोड़ा सा क्या टॉपिक है ये बस समझिए। अभी आपने बोला ये देखिए, जब आपने ऐसा रखा है ये देखिए, ये फोर्स यहाँ, ये देखो कॉइल कैसा हो जाएगा ऐसा, ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने ये ऐसा है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, ये देखो कैसा कॉइल को टर्न करेगा ऐसा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स फिर आपने ऐसा रखा ऐसा आ जाएगा, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं, मेरी एप्लीकेशन है भाई कॉइल को ऐसा नहीं चाहिए ऐसा रखो, यू नीड सम एक्सटर्नल वर्क डेफिनेटली, कि कॉइल आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा जाने वाला है, मैं बोलता हूँ नहीं जी मुझे ऐसा नहीं ऐसा करके दो, डेफिनेटली यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क विच इज जनरेटेड बाय दिस, अगेंस्ट आई रिपीट दिस टॉर्क विच इज जनरेटेड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड, दैट वर्क विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉइल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जनरली फ्रेंड्स ये वर्क होता है, जनरली फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी स्टैंडर्ड बुक इसको यू से बताएगी, मैं भी यू से बताऊंगा, ये एक वर्क होता है जो ऑफ कोर्स इस टॉर्क के जो यहां आने वाला है इसके अगेंस्ट में करते हैं। वर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इनटू स्मॉल एंगल। फ्रेंड कैसा आया घबराइए मत, वो भी बताता हूं। लीनियर मैकेनिक्स में आप बोलते हो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आई रिपीट आप क्या बोलते हो वर्क इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल में फ्रेंड्स फोर्स का भाई होता है टॉर्क, डिस्टेंस का भाई होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हो गया। अभी आपने बोला सर पी क्या आया, पी ई साइन थीटा, करेक्ट है पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये आया स्मॉल वर्क डन, इतना वर्क करना पड़ेगा, बट वो बोलता है स्मॉल नहीं भाई हमको तो पूरा वर्क निकालना है, कंप्लीट वर्क निकालना है पूरे कॉइल के लिए, क्या करोगे कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेटेड पीई साइन थीटा डी थीटा आराम से। ओके तो इसकी वैल्यू होगी माइनस पीई कॉस थीटा, आई रिपीट इसकी वैल्यू होगी माइनस पीई कॉस थीटा, पीई कॉन्स्टेंट साइन की डेरिवेटिव होती है माइनस कॉस, आराम से देखिए फ्रेंड्स ये पहला चीज। ओके अब कुछ टेक्निकल बातें करें, ये तो मैंने जनरल करा दिया। ओके कई बार आपके एक एग्जाम में होगा टर्न द कॉइल थ्रू थीटा वन टू थीटा टू, फ्रेंड्स यहां लिमिट लगाना थीटा वन टू थीटा टू, एक एग्जाम में पूछेगा टर्न द कॉइल फ्रॉम जीरो टू थीटा, फ्रेंड्स यहां जीरो टू थीटा लगाना, मैंने जनरल कराया है। एक सेट में पूछेगा टर्न द कॉइल थ्रू जीरो डिग्री टू You can say 90 degree, friends, या 0 to pi by 2 लगाना, तो जो आपका केस हो वो लगाना फ्रेंड्स, मैंने जनरल कराया हूं याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स अभी हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपने देखा है कॉइल पे नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो मजे द कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इनमें वो किस किस पोजीशन पे आएगा हमें अभी वो देखना है। ओके हमने डिटेल में इक्विलिब्रियम एंड इसकी कंडीशंस वर्क पावर एनर्जी में पढ़ी है, उसको सिर्फ मैं अप्लाई करूंगा फ्रेंड्स, है ना, अभी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स नाउ वी विल सी व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड ऑफ कोर्स इट टाइप्स इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। ओके सबसे पहले अगेन वी डिड इन गुड डिटेल इन वर्क पावर एनर्जी, थोड़ा बेसिक मैं फिर भी देता हूँ, कुछ बच्चे हो सकता है भूले होंगे, कोई इशू नहीं उसमें। ओके देखो बेटा ये एक पार्टिकल है या एक सिस्टम है ना, आपने इसको डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से, ये वापस आ गया, फिर डिस्प्लेस किया भाई ये वापस आ गया, कॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई भी इक्विलिब्रियम है नेट फोर्स तो जीरो, वो मैं घड़ी घड़ी नहीं बोलूंगा, अंडरस्टूड नेट फोर्स जीरो। ओके हाँ आप स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एंड नेगेटिव, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी इज फ्रेंड्स मिनिमम एंड नेगेटिव, ये हो गया नंबर सेकंड, ये देखिए फ्रेंड्स। ओके आपने इसको डिस्टर्ब किया, माय गॉड पूरा ये डिस्टर्ब हो गया,
आपने मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया, ये पूरा ही डिस्टर्ब हो गया पार्टिकल, करेक्ट है, पूरा सिस्टम से ही हट गया, कॉल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड पॉजिटिव, आई रिपीट, मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपने ऐसा इसको डिस्प्लेस किया, ना तो ये साहब वापस आया ना डिस्टर्ब हुआ, ऐसी रहा। आई रिपीट, देखिए फ्रेंड्स, आपने इसको थोड़ा सा ऐसा किया, फ्रेंड्स ना तो ये वापस अपनी जगह पे आया ना तो पूरा डिस्टर्ब हुआ, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके लिए फ्रेंड्स जनरली पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, जनरली पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अब हम हमारे केस में मारेंगे, स्टार्ट देखते हैं, स्टार्ट फर्स्ट केस। ये देखिए बेटा, जब आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो मंजे, आई रिपीट, मंजे द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड फील्ड लाइन्स आर जीरो, बोथ आर कोलिनियर। अभी सिखाया था केस के आपको, मेरे ऑप्टिक्स के, मेरे स्पेक्स के केस लेके मैंने सिखाया था, ओके। इस केस में फ्रेंड्स ये आ जाएगा माइनस पी ई कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज फ्रेंड्स वन, ये हो गया माइनस पी ई। आराम से देखिए, माइनस आया और ये मिनिमम भी है, इट इज मिनिमम एंड माइनस। इस पोजिशन को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिखता हूं EQLM, मंजे इक्विलिब्रियम फ्रेंड्स। आराम से देखिए, यानी जब नॉर्मल टू द कॉइल और फील्ड लाइंस का एंगल होगा जीरो, वो कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कॉइल को हिलाओगे कॉइल वापस आ जाएगा, कॉइल को हिलाओगे वापस आ जाएगा। सेकंड, ओके, इफ थीटा इज 180 फ्रेंड्स, जिसको आप पाई भी बोल सकते हो, जो चाहिए बोलिए, कोई इशू नहीं। अब आप क्या बोलोगे, सर u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 इज फ्रेंड माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस पी ई, ऑफ कोर्स ये है मैक्सिमम और वो भी पॉजिटिव फ्रेंड, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आराम से क्या होगा फ्रेंड्स, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी थोड़ा भी कॉइल को आप डिस्टर्ब करोगे पूरा ही वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू फ्रेंड्स 90 डिग्री लगाओ, तो आप क्या बोलोगे, u इज इक्वल टू माइनस पी ई, आई एम सॉरी, कॉस ऑफ 90, ओके, कॉस 90 इज फ्रेंड जीरो, जीरो फ्रेंड्स, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अभी बोला है, इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फ्रेंड इस केस में कॉइल को डिस्टर्ब करोगे, कॉइल बेचारा वहीं रहेगा, ना तो रिटर्न आएगा ना पूरा सिस्टम से डिस्टर्ब होगा। आराम से फ्रेंड्स एक एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मेंस आईआईटी के लिए हार्ड जान माना जाता है ये टॉपिक। Okay friends, now start with the next question. Whatever we covered so far, okay, we have covered so far, that is nothing but the you can see the force acting on current carrying conductor kept in a uniform magnetic field. Then we have covered what is the force between two parallel conductors if both are having the current, correct? Then we have seen the current carrying, you can say, loop when placed in the magnetic field, and of course torque acting on that, and definitely फॉर द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, करेक्ट है फ्रेंड्स। जो कवर करें ज़्यादा नहीं, जो कवर करें इसके बेस पे हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सेक्शन बोलिए या कॉन्सेप्चुअल सेक्शन बोलिए वो अब देखते हैं, ओके, स्टार्ट। इट सेज दैट फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर। एक कोई वायर है फ्रेंड्स जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। इफ द एंड्स पी एंड क्यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ वायर हैव कोऑर्डिनेट्स, दो एंड है जिससे ये वायर है, तो ये एक एंड, ये एक एंड, ओके, इसके कोऑर्डिनेट दिया है 1, 2, -3 मीटर, -2, -5 1 मीटर, ओके। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और ये वायर को कहां रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड, कितना फ्रेंड्स, कितना है फ्रेंड्स, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप टेस्ला, इतने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ओके। सबसे पहले आपने मुझे फार्मूला बोला है, सर एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आपको लेंथ वेक्टर निकालना है, लेंथ वेक्टर इज नथिंग बट ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसा निकलता है फ्रेंड्स, पहले तो लेंथ वेक्टर निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर से सिखाया है मैंने, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस
इनिशियल पोजिशन फ्रेंड्स, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर देखिए, दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा माइनस थ्री आई कैप फ्रेंड्स, बराबर देखिए, दिस माइनस सेवन जे कैप, दिस माइनस माइनस प्लस प्लस फोर के कैप, आराम से देखिए फ्रेंड्स, दिस माइनस थ्री, दिस माइनस सेवन, दिस प्लस फोर आई जे के सबके साथ, ओके, इसके साथ आई कैप, इसके जे कैप, इसके साथ के कैप फ्रेंड्स, आराम से देखिए, ओके। अब मुझे फोर्स बोलिए, फोर्स इज इक्वल टू आप कहते हो आई इंटू एल क्रॉस बी फ्रेंड, आई इंटू एल क्रॉस बी डिराइव करें आज, ओके, ओनली पुट द वैल्यू, टू ऐसे लिखो फ्रेंड्स। अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसको कैसा सॉल्व करेंगे, याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट का, आई जे के बराबर देखिए, पहले एल के कोएफिशिएंट्स कितने, माइनस थ्री माइनस सेवन फोर, फिर बी के वन वन वन, आराम से देखिए फ्रेंड्स, वन वन वन, ओके, स्टार्ट, टू ऐसा ही स्टार्ट, ये लिखेंगे आई, दिस इंटू दिस माइनस सेवन माइनस दिस इंटू दिस फोर माइनस जे कैप, दिस इंटू दिस माइनस थ्री, दिस इंटू दिस माइनस फोर प्लस के कैप, बराबर देखिए फ्रेंड्स, दिस इंटू दिस माइनस थ्री, दिस इंटू दिस माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस सेवन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस सेवन, आराम से देखिए, कुछ सेकंड्स रुकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल सॉल्व द डिटरमिनेंट, नथिंग एल्स, ये आई कैप है फ्रेंड्स, और ये करंट आई है, कंफ्यूज नहीं होना, आई कैप करंट आई में कंफ्यूज नहीं होना, ये टू डाल दिया, टू एम्पियर था करंट फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट, अब इसको ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस इलेवन आई कैप, कितना हो जाएगा प्लस सेवन जे कैप, कितना हो जाएगा प्लस फोर के कैप फ्रेंड्स, आराम से देखिए करेक्ट, अब इसको सिंपल एक्सपांड कीजिए, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस ट्वेंटी टू आई प्लस फोर्टीन जे प्लस एट के, आराम से, ऑफ कोर्स काय में आंसर आएगा, ऐसा यूनिट चल रही है, न्यूटन्स, काय में आंसर आएगा, न्यूटन्स, ओके। अभी कभी उसने मैग्नीट्यूड पूछा या सिर्फ फोर्स पूछा है, 100% करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, वेक्टर में ज्यादा अच्छा है, कभी मैग्नीट्यूड पूछा तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देना, जरूरत नहीं है, ओके। नाउ फ्रेंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको ये ऐसे दो लूप दिए गए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये दो लूप है, ओके, फर्स्ट केस में हम एक एक करके बात करेंगे, फर्स्ट केस में देखिए फ्रेंड्स ये करंट ऐसा पूरा फ्लो हो रही है, करेक्ट है, लूप का फ्रेंड रेडियस है आर, करंट है टू एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है, नॉर्मल यानी बराबर, देखिए फ्रेंड्स जैसा ये लूप है ना ऐसा, अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ऑफकोर्स थीटा इज 90 डिग्री, लूप पे ये 90 है, थीटा इज 90, ओके, ये देखिए कितना है 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1 टेस्ला, एक केस दूसरे को छोड़ो, ओके। अब इस पर इस लूप पे आपको फ्रेंड्स फोर्स पूछ रहा है, भाई वो पूछ रहा है फोर्स निकालो, ओके, स्टार्ट फ्रेंड्स, फर्स्ट केस में केस इसको मैं फर्स्ट देता हूं ए ले लो, और इसको मैं केस बी लेता हूं, ए केस में फर्स्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फोर्स आंख बंद करके जीरो, कुछ भी नहीं करूंगा फ्रेंड्स, कैलकुलेशन भी नहीं करूंगा, क्यों सर आपने बोला, when the current carrying loop is placed in the uniform magnetic field the net force is zero, ye dekhiye friends ye pura current carrying loop hai, ye dekhiye pura clockwise mein current hai, answer is zero, that's it, b friends ye thoda dangerous hai, thoda nahi kafi dangerous hai, isme friends continue current nahi hai, jaisa clockwise empty nahi hai, dekho current ke do part hai, ek aisa ja raha hai friends, ek aisa ja raha hai, तो सिस्टम के लिए करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है फ्रेंड्स, सिस्टम के लिए ये एक अलग कंडक्टर है, सिस्टम के लिए ये एक अलग कंडक्टर है फ्रेंड्स, वापस सुनो प्लीज, इसमें क्लॉकवाइज करंट नहीं है, इज दैट क्लियर, सिस्टम के लिए ये एक अलग कंडक्टर, ये एक अलग कंडक्टर, दोनों का अलग अलग मैं निकालूंगा, अब कुछ चीजें बताता हूं,
समझो ऐसा लूप है आपका, ओके तो इसमें मैग्नेटिक लेंथ ऑफ कोर्स ये नहीं होगी, हम वेक्टर लेते हैं, शॉर्टर लेंथ इज मैग्नेटिक लेंथ, ये मैग्नेटिक मानी जाएगी, मैग्नेटिक लेंथ फ्रेंड्स ये मानी जाएगी, पूरा डिस्टेंस नहीं, इट्स अ वेक्टर, वेक्टर यानी शॉर्टेस्ट पाथ, ये मानी जाएगी, ये पहली चीज फ्रेंड्स याद रखिएगा, ओके अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स लूप फर्स्ट के लिए, लूप फर्स्ट के लिए बराबर देखिए, ये देखिए आई एल बी बताया थीटा इज 90 डिग्री, बिकॉज आपके लूप पे 90 डिग्री में फील्ड है तो थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, साइन 90 इज 1। नाउ द टेक्निकल स्टार, कितना है ये 2 एम्पियर, लेंथ कितना है 2 मीटर्स, बराबर ना फ्रेंड्स 1 2 मीटर्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना 1, तो ये आ जाएगा 2 into 1 आराम से फ्रेंड। दूसरे लूप के लिए देखिए, अरे भाई सब कुछ वही है, करंट फ्रेंड सेम, फ्रेंड लेंथ सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो इसका भी एक हिस्सा और, इसको डबल कर दो फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 2 to the 4 8, आंसर आएगा 8 न्यूटन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, इसको डबल कर दो, ओके फ्रेंड्स। नाउ वी विल हैव द अनदर वेरी गुड एग्जांपल, ही सेज दैट अ रफ इंक्लाइन प्लेन थीटा डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फ्रेंड्स देखिए एक रफ इंक्लाइन मैंने लिया है, डायग्राम इज नॉट गिवन, ये मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये रफ इंक्लाइन कितना है फ्रेंड्स 37 डिग्री का, ओके आई रिपीट रफ इंक्लाइन है, ओके अ मेटलिक वायर ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ओके लेंथ परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ इंक्लाइन, एक लेंथ का मेटलिक वायर लिया है फ्रेंड्स और इसके 90 डिग्री पे ऐसा क्रॉस रखा है, आई रिपीट ये लेंथ के 90 डिग्री पे रखा हुआ है, ओके व्हेन करंट आई पासेस थ्रू द वायर, अब वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन अपवर्ड, ये पूरा सेटअप के प्लेन के नॉर्मल, इसलिए 3D में बनाया, पूरे प्लेन के सेटअप पे नॉर्मल क्या लगा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ओके कितने का फ्रेंड्स 0.5 टेस्ला का, और कह रहा है द वायर स्टार्ट मूविंग अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स फ्रेंड्स ये इक्विलिब्रियम में है, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम, न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा है, देखो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से वायर ऊपर चढ़ रहा है, कब फ्रेंड्स जब आपने आई करंट फ्लो किया और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ली 0.5, ओके द मास ऑफ वायर इज 50 grams, मास आपको वायर का दिया है फ्रेंड्स वो भी 50 grams, पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आई, फाइंड करंट आई, ये आई जो पास किया था वो निकालिए, ओके आराम से फ्रेंड्स, ओके अब बराबर देखिए ये डायग्राम को मैं एज ए FBD बनाना चाह रहा हूं, ये देखिए फ्रेंड्स ये 37 डिग्री ये कोई मास है ना, ये मास है फ्रेंड्स, जब ये ऊपर जाएगा आप समझ गए कौन से फोर्स से जाने वाला है, आप समझ गए सारे एंगल्स इसमें 90 है, लेंथ को करंट 90, आई रिपीट लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड 90, यानी थीटा इज 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा फोर्स होगा फ्रेंड्स यहां अपवर्ड पे BIL, मैग्नेटिक फोर्स कौन सा होगा इस वायर पे BIL, ऊपर फ्रेंड्स वायर ऊपर जा रहा है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो नीचे वाले फोर्स इसको बैलेंस होंगे, कौन कौन से फोर्स होंगे फ्रेंड्स जरा देखिए MG sin थीटा, फ्रेंड्स एक फोर्स और होगा कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स फ्रेंड्स FR, फ्रिक्शनल फोर्स, अब देखिए मैं सिर्फ इसकी बैलेंसिंग लेता हूं, दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम, अपर फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ओके फ्रिक्शनल FR मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, आप R नीचे लिखिए कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, FR दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ओके नाउ स्टार्ट B के बदले डालो फ्रेंड्स 0.5, I ऐसे लिखो, लेंथ कितनी है फ्रेंड्स 0.2, आई रिपीट लेंथ कैसी है 0.2, इसको मीटर बनाए 100 से डिवाइड करके, ओके इज इक्वल टू स्टार्ट M के बदले फ्रेंड्स 50 grams, ओके 50 grams मान लीजिए 0.05 kg, कैसा डिवाइड बाय 1000 फ्रेंड्स, डिवाइड बाय 1000 कितना आ जाएगा 0.05, ओके जी यानी 10, ओके आराम से साइन 37, साइन 37 मीन्स 0.6, साइन 37 मीन्स 0.6 प्लस इसका फार्मूला फ्रेंड्स फ्रिक्शनल फोर्स का क्या फार्मूला होता है बोलिए इंक्लाइन पे μmg cos थीटा, फ्रेंड्स फ्रिक्शनल फोर्स का क्या फार्मूला होता है μmg cos थीटा, यहां डालेंगे म्यू कितना है फ्रेंड्स 0.1, एम कितना 0.05, जी 10, cos 37 फ्रेंड्स 0.8,
cos 37 is 0.8. आराम से देखिए, मैं कुछ सेकंड्स रुकता हूं. इट्स अ केक वर्क, नथिंग एल्स. दो फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, एक फोर्स ऊपर, बॉडी इक्विलिब्रियम से ऊपर चढ़ रही है. ओके, अब इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है आई के लिए. सिंपल इसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है आई के लिए. जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आई का आंसर आएगा 3.4 ऑफ कोर्स एम्पियर्स. आराम से देखिए, ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल हैव द अनदर क्वेश्चन. ही सेज दैट अ स्ट्रेट एंड वेरी लॉन्ग वायर कैरीज करंट आई वन. देखिए फ्रेंड्स, एक वायर है बहुत लंबा, करंट है इसमें आई वन. ओके, एंड द रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट आई टू. इसके नजदीक एक लूप रखा हुआ है. ओके फ्रेंड्स, इसमें करंट है आई टू, इसमें करंट है फ्रेंड आई टू. ये देखिए, ये करंट फ्लो हो रहा है आई टू क्लॉकवाइज ना, वो भी ओके. ये डिस्टेंस दिया ए, यहां से ये डिस्टेंस दिया बी. ही सेज दैट नियर बाय इट, इसके नजदीक. ओके, एज शोन, ये डायग्राम दिया है फ्रेंड्स. ओके, फाइंड फोर्स ऑन द लूप. इस पे लूप पे फोर्स कितना लगेगा. नाउ स्टार्ट. सबसे पहले ये देखिए, ये दो पैरेलल कंडक्टर, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बीच में फोर्स बराबर. देखिए, आपने बोला है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टू आई वन आई टू इंटू डी. डिस्टेंस कितना फ्रेंड्स दोनों के बीच का, ये देखिए ए. तो यहां से फोर्स क्या आ गया फ्रेंड्स, म्यू नॉट बाय 4 पाई टू आई वन आई टू बाय ए इनटू एल. आराम से कुछ सेकंड्स रुकेंगे. ओके, अब फ्रेंड्स इसकी वजह से बराबर देखिए, ये दो वायर की वजह से, इसकी वजह से एब्सोल्युटली नो फोर्स एट ऑल. परपेंडिकुलर है, आपको पैरेलल चाहिए. क्या होगा, एफ इज इक्वल टू डायरेक्ट डालूंगा म्यू नॉट बाय 4 पाई सेम 2i1 i2 by, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फ्रेंड्स b, ये चेंज हुआ खाली. बस आराम से देखिए फ्रेंड्स, इसको नाम दे दीजिए f1, इसको दो f2. 1 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से. आराम से देखिए, अब एक प्रॉब्लम फ्रेंड्स, आपने बोला है सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव, अपोजिट में रिपल्सिव. ये है अट्रैक्टिव, ये है रिपल्सिव फ्रेंड्स. नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस. क्यों, ये नजदीक है फ्रेंड्स, ये नजदीक है. तो आप बोलोगे एफ नेट इज इक्वल टू बराबर देखिए f1 माइनस f2. क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई ओके 2i1 i2 ओके इनटू l कॉमन. ओके, ब्रैकेट के अंदर फ्रेंड 1 बाय a माइनस 1 बाय b. ओके, अगर नेचर पूछ रहा है तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग है अट्रैक्टिव, या टुवर्ड्स वायर लिख दो, टुवर्ड्स वायर, दैट्स इट. आराम से देखिए, ये वाला अट्रैक्टिव था फ्रेंड्स, ये वाला रिपल्सिव था. तो नेट फोर्स ऐसा लगेगा टुवर्ड्स वायर. ओके, अट्रैक्टिव भी लिख सकते हो, टुवर्ड्स वायर ज्यादा अच्छा है. Okay friends, now we will have the another example. He says that two parallel conductors are suspended by light vertical threads 75 cm long. देखिए friends, दो ऐसे conductor है 3D में, ये देखिए ऐसे अंदर जा रहे board के अंदर, ये दोनों conductor है friends. Okay, ये देखिए ऐसे रखे हुए. Okay, और ऐसे thread से इसको बांधा है. Agree, ये thread की length कितनी है friends, बराबर देखिए thread की length है 75 सेंटीमीटर दोनों की. ओके, स्टार्ट. अब देखिए व्हाट ही सेज दैट ईच कंडक्टर हैज मास 40 ग्राम्स पर मीटर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ मास नहीं दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, ग्राम पर मीटर. ओके, व्हेन देयर इज नो करंट दे आर 0.5 मीटर अपार्ट. अभी दोनों में करंट नहीं है फ्रेंड्स, खाली कंडक्टर रखे हुए हैं ऐसे. ये देखिए तो कितना गैप है 0.5 सेंटीमीटर. ओके, बराबर देखिए, अब ही सेज दैट 0.5 सेंटीमीटर. ओके, इट इज अ 0.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ ही सेज दैट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट
results in separation of 1.5 सेंटीमीटर. नाउ द टेक्निकल स्टार्ट. अब दोनों में फ्रेंड करंट फ्लो करने हैं दोनों में, तो अब डायरेक्शन क्या हो गया, ये देखिए ये बनाऊंगा अभी, ये देखो ये दूर चला गया. अब कितना चला गया फ्रेंड्स, 1.5 सेंटीमीटर. अभी कितना गया, 1.5 सेंटीमीटर. ओके, अब ये पूछ रहा है बराबर देखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ करंट एंड डायरेक्शन. दोनों में जो करंट फ्लो हुआ फ्रेंड्स वो कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है. अब एक चीज तो हमको क्लियर, ये फोर्स रिपल्सिव हुआ ना ऐसे से यहां आ गया फ्रेंड्स. ओके, तो डेफिनेटली दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन तो हो गया, डायरेक्शन हो गया. ओके, अब देखिए जरा खेल, ये लगा तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, ये देखिए फ्रेंड्स एफ बराबर है. ओके फ्रेंड्स, नीचे लगता है वेट, एक ही पार्ट देखता हूं मैं एक ही पार्ट देखता हूं. देखिए ये पार्ट है वेट का फ्रेंड्स, ये पार्ट है वेट का, आराम से देखिए. ओके, ये है टेंशन, ये है टेंशन, आराम से. ये है थीटा, आई रिपीट फ्रेंड्स, वेट नीचे, मैग्नेटिक फोर्स आपने बोला ना जो फोर्स लगेगा वो यहां. ओके, ये है थीटा, आराम से देखिए, ये एंगल भी हो जाएगा फ्रेंड्स थीटा. ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा फ्रेंड्स, ये कंपोनेंट टी साइन थीटा, आराम से देखिए. ये कितना है फ्रेंड्स, 75 सेंटीमीटर, आराम से देखिए, ये 75 सेंटीमीटर. ओके, अब ये कितना हो जाएगा यहां से यहां, बराबर देखिए फ्रेंड्स, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बराबर देखिए 0.5 सेंटीमीटर. क्यों फ्रेंड्स 0.5 सेंटीमीटर, टोटल अब है 1.5, बराबर देखिए ये है 0.5, तो ये 0.5, ये भी 0.5, ये देखो आराम से पहले डायग्राम समझिए, ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर लेंथ दिया है. आराम से पहले देखिए डायग्राम, देखिए पहले ओके स्टार्ट. अब देखिए सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम बनाऊंगा फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये देखिए राइट हैंड फोर्स and left hand force are same, T sin theta is equal to F. F के बदले क्या लिख सकते हैं friends? बोलो, F के बदले लिख सकते हैं mu naught by 4 pi 2. I1 I2 बोला है friends, current is same. आपको बोला है current is same magnitude. वो हो जाएगा I का square over D. I repeat, over D यानी ये distance. I repeat, over D यानी wire के बीच का distance. Okay, into L, into L. मैग्नेटिक फोर्स फ्रेंड, दो कंडक्टर के बीच का. ओके, ये डी का रोल करेगा फ्रेंड्स, यहां लिख देता हूं डी इज इक्वल टू स्टार्ट. अब देखिए टी, आई एम सॉरी, इसको इक्वेशन दो वन से इक्वेशन वन. अब टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एम जी, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, ये वेट का हिस्सा. आराम से देखिए फ्रेंड्स, ओके से इक्वेशन टू, ये हो गई इक्वेशन टू से वन डिवाइड बाय टू. ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, टी यानी टी कैंसल, ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई स्क्वायर बाय डी. फ्रेंड थोड़ी सी एक मैथ जगलरी खेलता हूं, नीचे आ जाएगा एम जी. ओके फ्रेंड्स, थोड़ी सी मैथ जगलरी खेलता हूं, ये न्यूमरेटर में एल है, इसको डिनोमिनेटर में उतारता हूं फ्रेंड्स, न्यूमरेटर में एल को नीचे लिख सकता हूं, आराम से देखिए. ओके फ्रेंड्स, यहां तक हम पहुंचे. ओके, अब थोड़ी सी मैथ जगलरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मैथ जगलरी, बराबर सुनो. जनरली दिस थीटाज आर वेरी स्मॉल, जनरली थीटाज आर वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा और टेन थीटा आर सेम. सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम टेन थीटा के बदली साइन थीटा हमेशा लिख सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है. तो यहां हम लिखेंगे बराबर, देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई 2i square over mg d over l, आराम से. ओके फ्रेंड्स, अब सिर्फ इसकी वैल्यू डालूंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा साइन की. देखिए फ्रेंड्स, अपोजिट ओवर हाइपोटेनस 0.5 सेंटीमीटर ओवर 75 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फ्रेंड. इसके बदले 10 की पावर -7,
फ्रेंड टू आई स्क्वायर ऐसा ही नीचे बराबर देखिए फ्रेंड्स m by l के बदली माय गॉडनेस शुरू m by l यानी मास पर यूनिट लेंथ के बदली देखिए फ्रेंड्स 40 ग्राम्स पर मीटर लिखेंगे 40 into 10 to the power minus 3 फ्रेंड्स वी आर वर्किंग इन SI यूनिट आ गया 40 into 10 to the power minus 3 ये बन गया kg पर मीटर हो गया मेरा काम g कितना फ्रेंड्स 10 d कितना फ्रेंड्स d के बदली क्या डालेंगे 1.5 फ्रेंड्स इसको मीटर करेंगे 1.5 into 10 की पावर माइनस 2 फ्रेंड्स इसको मीटर करेंगे 1.5 into 10 की पावर माइनस 2 ये सेंटीमीटर में था आराम से देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स I इज इक्वल टू 14 एम्पियर ओके डायरेक्शन भी पूछा है लिखिए अपोजिट इन डायरेक्शन क्यों दैट इज रिपल्शन इसलिए दैट्स इट आंसर इज 14 एम्पियर्स ओके फ्रेंड्स नाउ वी हैव द अनदर एग्जांपल ही सेज दैट अ लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ईच हैविंग लेंथ एल दो टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ईच लेंथ एल ओके एंड करंट आई आर प्लेस एट अ डिस्टेंस आर नॉट ये देखिए फ्रेंड्स दो ऐसे लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स है फ्रेंड्स ओके समझो इसमें करंट है आई दोनों में बोल रहे आई ओके कितने डिस्टेंस पर है अभी आर नॉट पे ऑफकोर्स रिपल करते हुए ऐसे यहां है समझो ओके Show that the work done by the external agent. अभी आपको इसको उठा के नजदीक लाना है तो definitely कुछ work करना पड़ेगा external agent ने okay? Agent in slowly reducing their distance of separation to R naught. अब इनको उठा के कहाँ लाना है friends आपको कितने distance पे लाना है यहाँ लाना है R naught by 2 पे लाना है R naught पे था friends R naught by 2 पे लाना है इसको definitely ये ripple करेगा अपोजिट डायरेक्शन में करंट मैंने लिया तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा वो वर्क निकालना है फ्रेंड्स क्या करना है वो वर्क निकालना है ओके और वो भी शो करना है इधर द शो दैट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन टू आर नॉट बाय टू आपको वर्क निकालना है और शो करना है कि ये उसका आंसर होगा ओके फ्रेंड्स शो दैट के फॉर्म में दिया है ओके चलो देखते हैं बराबर देखिए सपोज यहां से एट अ डिस्टेंस आर पे ओके फ्रेंड्स फोर्स क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई वन आई टू म्हणजे आई स्क्वायर ओके एल डिवाइड बाय डी डी के बदले क्या लेंगे आर आराम से फ्रेंड्स कुछ सेकंड्स रुकता हूं ओके सपोज कंडक्टर यहां था है ना सपोज बेटा यहां कंडक्टर था इस पर फोर्स ये लगेगा ओके अब आपने कंडक्टर को कितना चलाया ओनली डी आर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स ओनली डी आर So you will say, sir, small work done is equal to force into small displacement. लेकिन एक प्रॉब्लम है ये फोर्स आई एम सॉरी ये वर्क इस फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा ये वर्क इस फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा फोर्स चाह रहा है रिपल्स ही हो गए वर्क आप कर रहे हो क्या आएगा फ्रेंड्स माइनस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क है माइनस ओके अब देखिए इसके बदले हम लिखेंगे आई स्क्वायर ओके एल यहां क्या आ गया फ्रेंड्स डी आर बाई आर आराम से देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई स्क्वायर एल एस आई ये आ गया डी आर बाई ये आर इस स्टाइल में का अब आपको छोटा वर्क थोड़ी पूछता है वो तो बोलता है भाई आर नॉट से आर सॉरी आई एम सॉरी आर नॉट से आर नॉट बाई 2 पे आओ इंटीग्रेशन फ्रेंड्स तो टोटल वर्क के लिए फ्रेंड्स इंटीग्रेशन पहले मसाला बाहर निकाल लो म्यू नॉट माइनस ऑफकोर्स 4 पाई 2 आई स्क्वायर एल बाहर निकालो इंटीग्रेशन किसका डी आर बाई आर का कहां से फ्रेंड्स आर नॉट से आ रहे हो फ्रेंड्स कहां जा रहे हो आर नॉट बाई 2 पे जा रहे हो आराम से देखिए फ्रेंड्स आर नॉट से आ रहे हो आर नॉट बाई 2 पे खत्म कर रहे हो ओके नाउ स्टार्ट क्या आएगा फ्रेंड्स इसका वर्क माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई स्क्वायर एल बराबर देखिए फ्रेंड्स ये ये फंक्शन है इसकी डेरिवेटिव ऊपर है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ आर ऑफकोर्स R not by 2, R not नीचे आराम से देखिए फ्रेंड्स
ओके ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई ओके माइनस 2 आई स्क्वायर एल, यहां क्या आ जाएगा फ्रेंड्स लॉग ऑफ आर नॉट बाय 2 माइनस लॉग ऑफ आर नॉट, लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट। आराम से देखिए ये माइनस को अंदर ले जाओ तो वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई का स्क्वायर एल, ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर नॉट बाय 2। आराम से देखिए ओके फ्रेंड्स अब लास्ट स्टेप में ऑलमोस्ट वी आर वेरी क्लोज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई स्क्वायर एल फ्रेंड ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ये देखो आर नॉट ओवर आर नॉट बाय 2 ये कैंसल टू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई स्क्वायर एल लॉग ऑफ 2। आई रिपीट बेस ये सब बेस ई है फ्रेंड्स सब बेस ई है ओके जिसको नेचुरल लॉग बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा। फाइनल इज दिस ओके थोड़ा ये समझिएगा 2 2 कैंसिल कर दिया घबराना नहीं ये क्या सर लिख रहे हैं ये 2 2 कैंसिल कर दिया ये देखिए यहां से 2 हटा दिया है ओके आप इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स ज्यादा अच्छा है म्यू नॉट बाय 4 पाई की हैबिट रखो ज्यादा अच्छा है। ओके फ्रेंड्स नाउ वी विल हैव अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर is placed in the magnetic field of 20 tesla j cap yani ek circular current carrying loop hai friend jiska area diya hua hai 1 cm square aur wo ek region mein rakha hai jahan par y axis mein itna magnetic field hai 2 tesla y axis mein j cap friends the loop is in xy plane very important data very important loop jo hai xy plane mein hai and current is clockwise my godness current clockwise hai dekhiye friends ये लूप एक्स वाई प्लेन में ऐसा करंट जा रहा है आई रिपीट कहां रहेगा आपका कैपिटल एम ऐसा जहां कैपिटल बी रहता है वहीं कैपिटल एम होता है फ्रेंड्स कैपिटल एम नीचे यानी माइनस के आपके सामने वापस एक बार फ्रेंड्स ये एक्स वाई प्लेन है ऐसा करंट जा रहा है क्लॉकवाइज राइट हैंड थंब रूल कैपिटल बी नीचे इस लूप का बट नेचुरल इसका कैपिटल एम भी नीचे गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल जहां बी रहता है वहीं कैपिटल एम रहता है करेक्ट ओके बोलता है फाइंड टॉर्क ऑन अ लूप आपको टॉर्क निकालना है फ्रेंड्स ओके एक एक आइटम मैं निकालता हूं सबसे पहले फ्रेंड्स मैं एम निकालूंगा क्या फार्मूला मुझे बोले एन आई ए एन कितना है 1 नंबर ऑफ टर्न्स दिया मुझे 1 कोई प्रॉब्लम नहीं करंट कितना फ्रेंड्स 10 एम्पियर एरिया कितना फ्रेंड्स बराबर देखो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 साथ में फ्रेंड्स माइनस के क्या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइनस के आप ऐसा लिख दीजिए माइनस के चलेगा फ्रेंड्स बी कितना दिया हुआ है 2 टेस्ला मंजे 2 जे कैप कोई प्रॉब्लम नहीं टॉर्क इज इक्वल टू आप क्या बोलते हो फ्रेंड्स टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी अब सिंपल इसकी वैल्यू डालिए ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 फ्रेंड्स कितना हो गया 10 की पावर माइनस 3 साथ में माइनस के क्रॉस ये कितना हो गया 2 साथ में जे कैप माइनस के कैप जे कैप आराम से देखिए कुछ सेकंड्स रुकता हूं फ्रेंड्स आराम से देखिए ओके अब नाउ स्टार्ट पहले मैग्नीट्यूड को हटा दीजिए मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये हो गया अब नाउ द टेक्निकल स्टार्ट जरा डेंजरस के क्रॉस जे फ्रेंड्स के क्रॉस जे मैथ में होता है माइनस आई माइनस आई यानी ये माइनस हो जाएगा प्लस आई तो ये हो जाएगा आई कैप यानी टॉर्क कौन सा एक्सिस में लगेगा फ्रेंड्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना होगा टॉर्क ये वाला 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओके फ्रेंड्स नाउ वी विल हैव द अनदर typical example he says that a flat insulating disc of radius r carries an excess charge on its surface a disc hai friends uske surface pe charges hai that is the excess of charges with surface okay on its surface
इज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो चार्जेस है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा चार्जेस उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है सिग्मा कोलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गुड, कंसीडर डिस्क इज रोटेटेड अराउंड एन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर, डिस्क ऐसा घूम रही है फ्रेंड्स, जैसा ये एक्सिस है इसका ऐसा डिस्क घूम रही है। ओके नाउ स्टार्ट, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, डेफिनेटली ये एक्सिस डिस्क के परपेंडिकुलर है। ओके विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, उसका एंगुलर स्पीड कितना है ओमेगा, ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकेंड। He says that if magnetic field, again short form में लिखा है friends, if magnetic field B is perpendicular to axis of rotation, ये ऐसा घूम रही है, ये axis of rotation है, देखिए friends, magnetic field यहाँ दिया, मंजे वापस M और B के बीच का, I'm sorry, B के बीच का angle 90, sin 90 मंजे 1, फिर एक बार friends, ये disc ऐसा घूम रही है, M इसके ऊपर आने वाला है, इस पे perpendicular दिया है B, मंजे थीटा इज 90 डिग्री, मंजे साइन 90 इज 1, वहां लिखूंगा नहीं फ्रेंड्स। ओके स्टार्ट, ये देखिए पूछा है टॉर्क ऑन अ डिस्क, डिस्क पे कितना टॉर्क लगने वाला है। ओके स्टार्ट, सबसे पहले सपोज ये डिस्क है, कंप्लीट रेडियस ए, टेक वेरी स्मॉल छोटा सा जस्ट लाइक रिंग सेगमेंट, छोटी सी रिंग। ओके कितने रेडियस पे फ्रेंड्स, आर पे, कितने विड्थ का फ्रेंड्स, डी आर का, कितने विड्थ का डी आर का, कितने रेडियस पे आर पे, आराम से देखिए फ्रेंड्स। ओके अब यहां पर फ्रेंड्स मैं छोटे चार्जेस निकालूंगा, तो छोटे चार्ज कैसे निकलते हैं, बड़ा सिंपल है, डी क्यू कैसे निकलता है, चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना दिया है, ऑफ कोर्स सिग्मा इनटू इसका एरिया फ्रेंड्स, इस रिंग का एरिया 2πr फ्रेंड्स, क्या आ गया 2πr इनटू dr, इसका बराबर देखिए फ्रेंड्स एरिया इतना पोर्शन का करेक्ट है 2πr इनटू dr, आराम से। अब इसका करंट फ्रेंड्स स्मॉल करंट निकालता हूं, क्या आएगा dq बाय dt, आराम से देखिए सिग्मा 2πr dr डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, क्या होता है ओमेगा बाय 2π, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, टाइम पीरियड इज ओमेगा बाय 2π, सॉरी 2π by omega, I'm sorry बेटा, angle divided by velocity, I'm sorry, angle divided by velocity, आराम से देखिए, okay, 2π friends cancel, ये कितना आ गया, sigma omega r dr, आराम से देखिए, ये हो गया current, कुछ seconds रुकता हूँ, आराम से देखिए, okay, अब देखिए, छोटा torque, okay, ring segment की वजह से छोटा torque, क्या आएगा, same formula, एम बी साइन 90 ना, एम बी साइन 90, एम के बदली फ्रेंड्स एन आई डी ए, छोटा एरिया, ये एरिया इतना एरिया, ओके इन टू बी साइन 90, क्या लिख दिया फ्रेंड्स 1, साइन 90 है यहां फ्रेंड्स 1, एम बी साइन 90 दैट इज 1, ओके एन कितना है दिया नहीं आपको, नंबर ऑफ टर्म्स 1 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई के बदली फ्रेंड्स सिग्मा ओमेगा आर डी आर फ्रेंड्स, एरिया के बदली ये देखिए, अब ये एरिया फ्रेंड्स, ये एरिया डिस्क का एरिया नहीं, कितना एरिया कवर कर रहा है पाई आर स्क्वायर, आई रिपीट कहीं ये मत लेना फ्रेंड्स, एम में ये एरिया आता है, ये एलिमेंट्री एरिया नहीं आता है, कितना हो गया ये एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू बी, आराम से देखिए कुछ सेकंड्स रुकते हैं। ओके अब ये क्या बन गई इक्वेशन, सिग्मा ओमेगा आर क्यूब सिग्मा ओमेगा पाई बाहर ले लो बी बराबर है पाई सिग्मा ओमेगा बी, क्या बचा आर क्यूब इंटू डी आर, आराम से देखिए फ्रेंड्स छोटा टॉर्क, तो टोटल टॉर्क के लिए फ्रेंड्स इंटीग्रेशन कीजिए, आई एम सॉरी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक फ्रेंड्स 0 to a, क्यों डिस्क यहां से शुरू हो रही है एंड कहां हो रही है रेडियस ए पे 0 to a, आराम से देखिए फ्रेंड्स ओके जब इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा म्यू सिग्मा ओमेगा बी, ये हो जाएगा आर का पावर 4 डिवाइड बाय 4, वहां ए डाल देंगे तो ये जगह ए का पावर 4 पाई सिग्मा ओमेगा बी,
a power 4 over 4. That will be final answer.